खामोश रहोगी तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं सुन रही हूँ। ठीक है, अगर सुनना ही तुम्हारा चॉइस है तो सुनो। तुम्हारे खानदान की दो बेटियां मेरे कब्जे में हैं, जिनके कोख में दो बच्चे हैं। तुम्हारे देवर महेंद्र मल्होत्रा से मैंने कहा था कि एक घंटे के अंदर 10 लाख रुपए यहाँ भेज दे अगर इनकी जान प्यारी है। तू कहीं क्लब में गया हुआ है, एक घंटा हो गया और मुझसे अब ज्यादा इंतजार नहीं होता। तू पैसे भेजती है तो मैंने जिंदा रखता हूं, वरना फिर। सुन रही है या तेरे कान भी जुबान की तरह बंद हो गए? सुन रही हूं मैं। तो अगर तुझे कोई जवाब नहीं देना ये सुनकर तो ठीक है, मैं फोन रखता हूं और फिर मेरे मुताबिक जो होगा मैं करूंगा, ठीक है? क्या गारंटी है कि पैसा लेने के बाद तू बच्चों को वापस दे देगा? मुंह खोलकर बात की वो भी ऐसी ओछी बात। ये क्या लगा कि टोनी ब्रिगांजा एक नौटंकी वाला है? हाँ, वो कोई कच्चा खिलाड़ी है? ले बात कर। हेलो आंटी। रितु, 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 नीतू कहाँ है बेटा? आंटी प्लीज। बहुत हो गई राग पट्टी तुम लोगों की, अब ध्यान से सुन लो। एक घंटे के अंदर अगर पैसा नहीं आया तो समझ लेना कि तुम्हारे फैमिली के 4 मेंबर्स कम हो गए, समझी?